गुड इवनिंग स्टूडेंट, टुडे वी रीड चैप्टर 4 फ्लाइंग टुगेदर फ्रॉम योर मैरीगोल्ड बुक। आज हम चैप्टर 4 फ्लाइंग टुगेदर के न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। फॉरेस्ट, स्टूड, टॉल, क्रीपर, हंटर, डेस्ट्रॉय, क्लाइम्ड, केयरफुली, डैड, क्लाइम। Then reading is fun. Question 1. Where did the geese live? इसमें पूछा है कि जो गीस थी वो कहाँ रहती थी, गीस जो थी वो कहाँ रहती थी। The geese lived in the leafy branches of tall tree. तो वो कहाँ रहती थी, एक बड़ा सा पत्तेदार एक ट्री था, लंबा सा एक ट्री था, वो वहाँ रहती थी। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। इसमें पूछा है कि जो ओल्ड बर्ड, जो एक ओल्ड बर्ड थी मतलब एक बूढ़ा पक्षी जो था, उसने एडवाइस क्यों दी थी अदर बर्ड को कि जो ये बेल है, छोटी सी एक बेल है, इसको हमें डिस्ट्रॉय मतलब इसको हमें नष्ट क्यों करना चाहिए, उसने ऐसी एडवाइस क्यों दी थी। द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज इट कुड हेल्प A hunter to climb up the tree and kill all of them. उसने इसलिए ऐसी एडवाइस दी थी अदर बर्ड्स को क्योंकि जो ये छोटी सी बेल है वो उसकी सहायता से कोई भी हंटर, कोई भी शिकारी वो चढ़ सकता है पेड़ के ऊपर और उन सबको मार सकता है। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द गीस क्राई हेल्प हेल्प, जो गीस थी उस क्यों चिल्ला रही थी मदद के लिए। द गीस क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट, क्योंकि वो जो थी, वो जो शिकारी का जो जाल था उसमें वो सब क्या हो गई थी, फंस गई थी। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीस वर डेड। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो हंटर था उसने क्या सोचा, मतलब जब उसने देखा कि जो गीस है वो तो सब मर गई थी, उसने जब ये देखा तो उसने क्या किया, उसने क्या सोचा। ही थ्रो दैम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने क्या किया, उनको एक एक करके सबको बाहर फेंक दिया। क्वेश्चन 5, वाई डिड द गीस प्रिटेंड टू बी डेड, गीस ने ऐसा प्रिटेंड क्यों किया कि वो मर गई है। द गीस प्रिटेंड टू बी डेड सो दैट द हंटर वुड लीव दैम सेफली, ताकि उनको जो हंटर है, जो शिकारी है, वो सेफली छोड़ दे, वो समझेगा कि ये तो मर गई है इसलिए वो उन्हें छोड़ देगा, वो उन्हें लेके नहीं जाएगा।